मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो यहाँ पे वही टेंपल है देखो महाकाली का, एकदम टॉप पे, और व्यूज देखो यहाँ से। स्लिपरी है यहाँ पे भाई, लैंडस्लाइड हुआ है तो मिट्टी नीचे आ रही है पानी के साथ। भाई ये वाटरफॉल चेक करो यार, पहले यहाँ पे वाटरफॉल नहीं होता था, पर आजकल पानी आ रहा है और बड़ा सही लग रहा है। यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हैं, पीछे बैठ के बढ़िया चिल करो। ये राइड हमने करी थी आज से एक हफ्ते पहले, और इस राइड में आपको देखने को मिलेंगे ऑफ रोडिंग पैचेस और पहाड़ों के ऊपर शानदार नज़ारे, क्योंकि ये रोड काफ़ी मज़ेदार है, अच्छा रूट है। और यहाँ से हमारी राइड शुरू होती है मनाली से, मनाली से हम निकलते हैं जीबी सोजा होते हुए जल्लोड़ी पास की तरफ। और ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ये है सोजा, जो कि अब काफ़ी फेमस होने वाला है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं फेमस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जोस्टल भी बन चुका है और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बन चुकी है। पर यहाँ के रोड आप देख पा रहे हो फुली एडवेंचरस रोड है, तो ये वीडियो देखने में आपको मज़ा आएगा, तो इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी लोग? होप करते हैं भाई सब बच्चे होंगे और मैं भी शानदार हूँ। और सुबह से मनाली में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और अभी 5 मिनट पहले ही बारिश थोड़ी सी थमी है, तो हमें जाना है राइड पे। तो करते हैं एक न्यू ब्यूटीफुल राइड की शुरुआत इसी के साथ, एक नई एनर्जी और एक नई मोटिवेशन के साथ। तो होप करते हैं आगे हमें बारिश ना मिले, तो चलते हैं और निकलते हैं यहाँ से, और अब बाकी की बातें आपसे रास्ते में करते हैं भाई। तो भाई चलते हैं यहाँ से और करते हैं राइड की शुरुआत ऊपर वाले का नाम लेकर, जय शिव शंकर। प्लान मेरा पिछले कल जाने का था, पर लास्ट डे थोड़ा सा सीन हो गया और यहाँ पे गाड़ी भैया ने बीच में लगा रखी है भाई। हेलो भाई, राइड ऑन हो चुकी है और मौसम भाई हल्का हल्का रेनी सीजन है, सुबह से बारिश हो रही है पर अभी थोड़ा सा साफ है मौसम। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए हम निकल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। अभी सुबह के 10:30 हुए हैं और मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है, साफ बोले तो सुबह से हो रही थी बारिश, तो बारिश ने हमारा जो प्लान है थोड़ा सा डिले कर दिया। पर अभी बारिश जैसे ही रुकी तो हमने सोचा चलो निकला जाए यहाँ से, क्योंकि टाइम के साथ राइड को कवर अप करना ज़रूरी है। जब तक हम घर से निकलेंगे नहीं तब तक हमें मंजिल मिलेगी नहीं। तो जो मेरा थॉट था ब्लॉग की शुरुआत में, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो अभी सुबह सुबह मिलते हैं यहाँ पे अपने भाई लोगों से होटल हम्पटा व्यू में, और इनको भी करते हैं यहाँ से टाटा बाय बाय, क्योंकि अपने अच्छे दोस्त है भाई, मिलना ज़रूरी है। तो इनसे मिल के हम निकल चुके हैं डायरेक्ट अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन आनी द लाश के लिए, जो कि हमारी राइड होने वाली है कुल्लू होते हुए, और टनल से हमें जाना है लेफ्ट जीबी वाले रोड में, जीबी से सोजा जलोड़ी पास होते हुए आनी, आनी से हम पहुंचेंगे एक हाइट वाली जगह में द लाश में। तो वीडियो में बने रहे भाई, मजा आएगा आपको राइड को देखने में। तो भाई ये देखो ब्यास रिवर, यहाँ पे ये वाला पैच पहले बहुत कच्चा रहता था, यहाँ पे मिट्टी कीचड़ होता था, पर अभी उन्होंने ये भी सही कर दिया, यहाँ पे पक्का हो गया है और ये नज़ारा दिख रहा है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इस रोड की, कुछ टाइम पहले ये रोड कच्चा हुआ करता था और अभी सरकार ने रोड पक्का कर दिया है और अच्छा लग रहा है, क्योंकि साथ में रोड के साथ नदी बह रही है।
और ये नदी और रोड का जो नज़ारा होता है, मुझे भाई पर्सनली बहुत बढ़िया लगता है। मेरे को मज़ा आता है ऐसी जगह में राइड करने का। और इस तरफ भी बारिश हुई है, बारिश में देखो ये रोड के गड्ढे भी भर चुके हैं कीचड़ वाले पानी से। तो हम ऊबर वाले से अभी यही दुआ कर रहे हैं कि आने वाले रास्ते में हमें बारिश ना मिले। अगर बारिश मिल गई तो थोड़ा सा हमारे लिए काम दिक्कत वाला हो सकता है, पर बाकी ऊपर वाला साथ में है तो चले हैं ऊपर वाले का नाम लेकर और राइड को एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैंने कुल्लू क्रॉस कर दिया है और जिस इसका डर था वो ही हुआ, बारिश बहुत तेज हो रही है। हमारे पास वाटर गियर्स हैं पर जब बारिश भाई बहुत तेज होती है ना बाइक पे तो वाटर गियर्स भी काम नहीं आते हैं। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है, पहले तो हमें ब्रेकफास्ट करना है। पीछे हमने फ्यूल अप कर दिया था और आगे देखेंगे कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे और कहीं स्पॉट देखेंगे रुकने का, पर मुझे लगता नहीं है क्योंकि जब बाइक पे हम राइड करते हैं ना तो डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ पे रुकना है। अगर कोई साथ में हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो बोल देता है कि यहाँ पे रुकते हैं, पर अकेले वाइफ लोग बना रहता है और बारिश में तो फिर अलग ही सीन्स होते हैं। तो ये जो एक राइडर है वो ही मेरी फीलिंग समझ सकता है। अभी अभी बस एक ही ऑप्शन है, भगाओ और एक स्पॉट पे पहुंचो जहाँ पे थोड़ा हम रिलैक्स कर सके, चाय ब्रेकफास्ट कर सके। और पान कैमरे पे भाई पानी भी आ चुका है सामने और बारिश इसी तरह से लगातार हो रही है। तो भाई यहाँ पे हमारा हो चुका है ब्रेकफास्ट और टाइम भी 12:30 हो गया भाई। और देखो कीचड़ पीछे फुल पावर कीचड़। तो चलो भाई करते हैं राइड को कंटिन्यू नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। ठीक है भाई जी, तो अभी हम आए भाई ऑट में और आगे टनल है। टनल से पीछे मैं ब्रेकफास्ट करने रुक गया था क्योंकि काफ़ी टाइम से भूख लग रही थी भाई और 12 बजे तक ब्रेकफास्ट हुआ नहीं था हमारा। तो अभी ब्रेकफास्ट भी हो चुका है तो चलते हैं राइड को करते हैं कंटिन्यू। बराबर ही है यहाँ पे, देखो एक रोड में बस ही आती है, बस गाड़ी आ गई तो सारे वापस। और यहाँ पे कोई बाइक का रुख चल रहा है तो इनको ज्वाइन करते हैं ऊपर तक, इनके साथ साथ चलते हैं फिर थोड़ा मॉल बना रहेगा। और ये सब लोग रेंटल करके आए हैं बाइक कुल्लू से या मनाली से, कुल्लू से हुआ था सबकी शॉप। यूके नंबर ये है भाई बंजार।
मार्केट के बीच से ही रोड है और इस वजह से ट्रैफिक लगा रहता है यहाँ पे। अभी तो फिर भी कम है, पर जब कभी बस से गुस्से आ गई तो फिर हो गया काम। भाई बंजार क्रॉस कर दिया है, अब हम जीपी पहुंचने वाले हैं और मौसम कुछ बन रहा है बारिश का थोड़ा बहुत। ऊपर तो हमें बारिश मिलेगी मिलेगी क्योंकि हमने ऊपर चढ़ा है इस पे। यहाँ बोलते हैं जलोड़ी पास और इस रोड में भाई गाड़ी बंदे एकदम फुल स्पीड में चला रहे होते हैं और अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो तो हटते नहीं है भाई। इसलिए यहाँ पे ना केयरफुली राइड करनी पड़ती है, ये तो छोटी सी गलती ही आपका नुकसान करवा सकती है। तो भाई जीपी पहुंच चुके हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है जीपी में। एरिया तो सही है भाई, होटल्स भी अच्छे बन चुके हैं, लैंडमार्क लैंडस्केप एक होता ना, होटल भी अच्छे हैं, लैंडमार्क भी अच्छा है, फॉरेस्ट है, पर सबसे गलत चीज़ जो यहाँ का रोड है। ये बंजार से ऊपर तक ऐसा ही रोड है भाई, बहुत गलत। आई डोंट नो लोग कैसे आ पाते इस रोड में, इट्स बीन लाइक क्वाइट टास्क ब्रो। आ जा और जलोड़ी पास यहाँ से रह गया है ओनली 10 किलोमीटर। जीपी की मार्केट भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, अब पहले भाई कम एरिया में फैली थी है और अभी दुकानें यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुल चुकी है, लग्जरी होटल्स बन चुके हैं, कैंप फाइट है और हट्स है, कॉटेजेस है, मतलब बहुत सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आप आ सकते हैं एक्सप्लोर करने। ये देखो सामने हम आपको हट्स दिख रहे हैं, ये ऊपर होटल्स हैं। फील तो है जीपी में, पर रोड थोड़ा सा अगर चौड़ा कर दिया जाए या पक्का कर दिया जाए तो और सही हो जाएगा। और ये यहाँ से जाता है राइट में गाड़ा कुछ, मतलब यहाँ से भी आप निकल सकते हो जहाँ मुझे जाना है, पर अभी हम मेन रोड से जाएंगे। विंटर में ये रोड बंद होता है तब हम ये ट्राई करते हैं या फिर शिमला हो गया ना पता। भाई ये दोनों होटल अभी नए बन गए भाई। ये है बराती रिजॉर्ट, उधर वाला हॉस्टलर ने ऑक्यूपाइड कर दिया है। हॉस्टलर भी भाई बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, अभी देखो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हॉस्टल की, नाइस अच्छा काम है। हाँ जी अंकल जी मस्त खुश हो रहे अंकल क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी होगी है भाई, ये भी बढ़िया चीज़ है। ये देखो वाह यार ऐसा पैसा दिया, फुल पावर में जो 2-3 प्रॉपर्टीज बना दिया अपन भी,
मज़ेदार, मज़ा ही आ जाएगा फिर जिंदगी जीने का। चलो भाई तुम निकलो, डॉक्टर भाई, ड्राइवर नो। ये चेक करो यार, जबरदस्त। बादलों के ऊपर जा रहे हैं पर ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही है। अब अंदर मैंने हाफ टी शर्ट पहनी है, बाहर रेन वाइजर है तो हवा बज रही है थोड़ी सी ठंडी, बस बारिश ना मिले ज्यादा, थोड़ी बहुत चलती है, ज्यादा बारिश होनी चाहिए। तो जोसफेल भाई यहाँ पे भी है, सोजा में, इस जगह का नाम है सोजा, और काफी भाई एक्सप्लोर हो चुकी है जगह, बहुत सारे लोग आते हैं इधर। यहाँ से नज़ारे भी अच्छे मिलते हैं पर अभी क्लाउड्स आ रहे हैं, देखो लाइव टाइमलेस चल रही है तो इसलिए सामने का व्यू नहीं दिख पा रहा है प्रॉपर। तो यहाँ से भाई चलोड़ी पास ऑलमोस्ट बच गया है अब 4-5 किलोमीटर, और यहाँ से चढ़ाई चढ़ाई ऊपर को, पर ये वाले रूट सही है भाई जबरदस्त। स्लिपरी है यहाँ पे भाई, लैंडस्लाइड हुआ है तो मिट्टी नीचे आ रही है पानी के साथ। विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है सामने, बस मुझे 5 मीटर तक दिख रहा है भाई। चलो फॉग लैंप ऑन कर देते हैं। क्या ही नजारा भाई है, ये देखो वाओ। आज मैं ऊपर बादल नीचे, ऐसा ही कुछ दिख रहा है हमको। ये है जलोड़ी पास फाइनली, बीच टियर। इट्स बीन खाली खाली,
यहाँ पे भाई टेंपल है देखो महाकाली का, एकदम टॉप पे, और व्यूज देखो यहाँ से, अलग ही दुनिया लग रही है। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से नीचे की ओर, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है भाई। यहाँ पे ठंड हो चुकी है एकदम, भारी ठंड जिसको बोलते हैं, मेरे को भी लग रही है यार। अरे हाय विंटर वाली फीलिंग, विंटर आ गया, विंटर विंटर इन द टाउन। आगे मार्ग क्षतिग्रस्त है, कृपया सावधानी से चलिए। ओके सर। तो चलो भाई करते हैं इस ब्यूटीफुल व्यू को अलविदा यहाँ से, अब निकलते हैं। जलोड़ी पास से नीचे उतरते टाइम रोड आपको थोड़ा अच्छा मिल जाएगा, पक्का रोड है पर चौड़ा नहीं है, तो अगर जैसे बस गाड़ी पास करना हो तो थोड़ा सा साइड लेके करना पड़ता है। और ये ऊपर का भाई बड़ा प्यारा सा गांव लग रहा है, इस गांव का नाम शायद बटाला है, मुझे कंफर्म पता नहीं है पर जहाँ तक अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ वही गांव होगा। और नज़ारे भाई इस तरफ ही ज़बरदस्त दिख रहे हैं, सामने ग्रीनरी अभी भी है इधर, और मज़ेदार रूट है भी यार। तो इस बार हमने एक शॉर्टकट रास्ता आता है जो कि पीछे रह गया है 5 किलोमीटर, वहाँ से 10-12 किलोमीटर डायरेक्ट हम आने के पीछे पहुंच जाते हैं, पर वो ऑफ रोडिंग वाला पैचेज है, तो भी मेरा कोई मन नहीं था ऑफ रोडिंग करने का, तो हम यही रूट ट्राई कर रहे हैं। और काफ़ी टाइम भी हो चुका है इस रूट को एक्सप्लोर करते हुए, इसमें आगे आता है खोन खनाग कमांड ऐसे से गाँव के नाम है, और अच्छी वाइब है इस तरह भी, तो ये वाला रूट ट्राई करते हैं। तो अभी तक आप वीडियो पे बने हैं भाई, 22 मिनट्स हो चुके हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताओ आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और अभी तो वीडियो और है भाई, अभी टाइम लगेगा, तो बने रहे वीडियो पे, देखते रहिए हमारे साथ और राइड को एंजॉय करिए भाई। आज से 2 साल पहले यहाँ पे बादल फटा था तो ये पूरा रोड नीचे तहस नहस हो गया था, ये डंगा देखो नया लगा है, और ये पानी यहाँ से रोड में चले, ये पानी यहाँ से रोड में आ गया था ऊपर, और रोड यहाँ से वहाँ तक ख़त्म। वो देखो नए नए डंगे लगा के रोड बनाया गया है, और अभी भी नीचे कीचड़ ही है इधर, और कीचड़ भी बहुत गीला है बहुत ज़्यादा, बट कोई सीन नहीं, आराम से चलेंगे। और नज़ारे देखो भाई बढ़िया व्यू। हाँ जी चाचा बैठे हैं, लोग बढ़िया से दूर देख रहे हैं क्योंकि यार ठंड थी ऊपर भी, और अभी भी ऊपर चलोड़ी पास देखो काले बादल दिखाई दे रहे हैं, काले बादल। भाई ये वाटरफॉल चेक करो यार, पहले यहाँ पे वाटरफॉल नहीं होता था, पर आजकल पानी आ रहा है और बड़ा सही लग रहा है। यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हैं, पीछे बैठ के बढ़िया चिल करो, और पत्थर भी बना देखो अगर बारिश हो जाए तो बचने के लिए। सही है भाई, नेचुरल चीज़ें देखो कितनी प्यारी प्यारी बनती है, पत्थर का शेप ही कुछ अलग है, और बीच से देखो पानी कहाँ से टपक रहा है, और फ्लो भी पानी का अच्छा है भाई। अभी मैं ऑलमोस्ट आने पहुंचने वाला हूं, ये एक सामने डिवाइडर है पुन क्रॉस करके, एक रोड जो ऊपर को जाएगा लेफ्ट साइड, वो भी दलाश को ही जाएगा, और अभी हम नीचे वाली रोड से होके जाएंगे क्योंकि नीचे की तरफ से हमें डिस्टेंस थोड़ा कम पड़ता है। तो ये पीछे वाला जो रोड आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये पाए चुवाई होते हुए जाता है दलाश के लिए, और नीचे वाला रोड जाता है भाई नीचे गाँव आते हैं उलवा चौकी ऐसे से कुछ गाँव के नाम है, तो वहाँ होके थोड़ा सा ईजी पड़ता है। तो अभी हम वो ट्राई करेंगे। तो अभी यहाँ से जो आनी मार्केट है करीबन 3 से 4 किलोमीटर बाकी रह गई है,
और राइड में भाई मज़े कुछ अपने हैं, क्योंकि फीलिंग्स है भाई मज़ेदार। ये वाली पहली चेक करो एक बार भाई, क्या बढ़िया लग रहा है। काफ़ी दिनों बाद इस तरफ आना हुआ है, और अभी ऊपर जाना है मुझे इस पहाड़ पे। उस पहाड़ के दूसरी तरफ लगभग 5-6 किलोमीटर और आगे जाना है, तो वहाँ पे एक आपको अलग पहाड़ दिखाएंगे। अरे ये देखो पहाड़ों की शेप, प्यारे प्यारे, और नीचे वाला गाँव भी बड़ा प्यारा लग रहा है। देखो एक टापू पे ऐसे कब में बसा है, और बाइक अपना भाई फुल कीचड़ कीचड़ हो रखा है। ऑफ रोडिंग होती है तो कीचड़ तो रहेगा रहेगा, और टाइम अभी शाम के ऑलमोस्ट शायद 4 बज चुके हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, 3:40 और 11 बजे हमारी राइड शुरू हुई थी, अभी 4 बजने वाले हैं, तो लगभग सही था जो भी था। और प्लस पॉइंट ये है कि ज़्यादा बारिश नहीं हुई, हल्की हल्की बीच बीच में हुई, तो वो हम एडजस्ट कर पाए। ज़्यादा बारिश होती तो फिर हमारा काम ख़राब हो जाता, और अभी हम यहाँ तक पहुँचते नहीं। और अभी भूख भी लग रही है, लंच तो हुआ नहीं। मार्केट में नीचे मार्केट आई थी पीछे कहानी की, तो वहाँ पे मन करा तो कुछ खा लेता हूँ, पर समझ से परे है भाई, जब आप चलते हो तो फिर एक स्टॉप डिसाइड करना टफ हो जाता है कि यहाँ बैठ के खाते हैं। हाँ अगर कोई आपके साथ कोई और लोग हैं तब इजीली डिसीज़न हो जाता है। और यहाँ पे भी गाँव है एक, यहाँ घर है नीचे देखो। और यही है अभी तक की अपडेट, तो अभी तक वीडियो पे बने आप तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अपने लिमिटलेस हिमाचली को सब्सक्राइब कर दो। तो ये है भाई द लास्ट जी एंट्री के पास रोड के हालात। लास्ट ईयर जब मैं आया था उस टाइम भी ऐसा ही आता, लास्ट ईयर तो क्या लास्ट टाइम। फुल रोड है भाई, ये हम द लास्ट पॉइंट के बारे हैं जय जुगेश्वर महादेव, बम शिवा हर हर महादेव। ट्रैफिक सुबह सुबह, ओ भाई जी क्या चला है, चलो 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 आन दो। पहले बराबर लगाना पड़ेगा भाई यार, यार निकलेगा नहीं। ये है भाई ट्रैफिक आती, और ये सामने दलाश दलाश छोटा गिलास।
जय शंभो, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हो, जय शंकर की। तबे को फिर दादा राधे भाई महाराज, तबे महाराज फिर बढ़िया ठीक है। ले देख दर्शन हो गए यही यही हो गए दर्शन में का महादेव के दर्शन भी तेरी तुम्हारे दर्शन भी तेरी और मेरे बढ़िया ताकि चले नहीं भूल जाए बैग और का। अच्छा सर जस्ट सुबह से बिजी थे या भी निकले सही है फिर डबे चला है यार कोई नहीं सोलो बाबा सोलो अकेले वन मिनार भी फन ना अकेले ही अकेले ही नहीं यार तकिल चला है वो जी मार में भी करो होंडा या ऐसी या इस जाए फिर हमको बढ़िया क्या ले बस अभी जस बोले मांद्रा के ले लाए चल चले राइडर न्यू बॉर्न राइडर हो बैठने स्टाली बैठ लीजिए क्यों ठीक चौड़े हुए बुलेट आगे बैठना बढ़िया धूप लगी भाई जी अब मैं आता हूँ घर से थोड़ा ना धो के देखते हैं ठीक है हाँ करना मेरे को फोन अगर वापस आ गए उन्हें ठीक है तो भाई दलास से हमने राइट में टर्न ले लिया है रिवाड़ी गांव के लिए अब गांव क्या शहर बोल सकते हैं क्योंकि दलास और रिवाड़ी अब एक ही हो चुका है रोड के दोनों तरफ बिल्डिंग्स बन गई है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है पर भाई रोड नहीं बना अभी तक और ये रोड ऐसा ही है काफ़ी टाइम से और अब तो इसके हालात भी बहुत ख़राब हो गए हैं अगर कोई नया राइडर आएगा इसमें गाड़ी या बाइक लेते हुए तो भाई बंदे की थोड़ी फटेगी ज़रूर क्योंकि एक तो रोड तंग है और ऊपर से कच्चा है और बीच में गड्ढे हैं पत्थर है तो समझ से परे भाई ये रोड क्यों नहीं बनाते हैं और बाकी अभी हम अपने गांव पहुंचने वाले हैं तो आज की जो राइड थी हमारी भाई ओवरऑल रिव्यू आपसे डिस्कस कर लेते हैं काफ़ी बढ़िया रही बीच में हमें बस थोड़ी बारिश मिली पर बाकी राइड करने का मज़ा ही कुछ अपना था तो यहाँ पे भैया डर गए कि कौन आ गया अचानक से और ये है कुछ भाई गाँव वाली वाइफ काफ़ी टाइम बाद गाँव में आने के बाद फीलिंग कुछ अलग सी हो जाती है मज़ेदार सी तो ये वही बंदा समझ सकता है भाई जो घर से बाहर रहता है और कभी कभी अपने गांव जाता है और इस तरफ देखो भाई फुल एकदम रोड के हालात क्या ही बताएं आपको ये रोड बनना भी भाई एक टास्क है पता नहीं कब तक बनेगा और इस ब्लॉग को हम अब यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अब ऑलमोस्ट हमारी डेस्टिनेशन पहुंच चुकी है और आने वाले टाइम में अभी एक दो दिन के बाद आपको एक और ब्लॉग देखने को मिलेगा दलास मेले का तो वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल होने वाला है हमारे रीति रिवाज के लिए तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए तो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय दिल से याद करना और दुआओं में याद रखना जय शंकर की डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं आफ्टर सो लॉन्ग टाइम लंबी राइड थी भाई जय शंकर की